कैसा का बड़ो भाव? अब क्या कैसा का, अब सब तो ठीक ही है। खेती बाड़ी का काम है, देख रहे हैं। अच्छा, तो तेरे हिस्से की खेती का धान कैसा है तोगा? अरे क्या बताऊं, इस साल तो साला ऐसा आया शुरू में पानी कि दिल में खुशहाली छा गई। बाद में अभी और भरोसा था बुजली तक आएगा आएगा आएगा। अच्छा, अपने खेत में साला पानी च नहीं, पता ही नहीं पानी का। अब भगवान जाने कैसा होता है, क्या होता है भगवान जाने। वो तो ऐसा लगता है गा मेरे को, इस साल गिरानी पड़ेगी भाऊ। मेरे को भी ऐसा लगता है गिरानी पड़ेगी, ऐसा लगता है मेरे भी खेत में वही हाल है। मैंने देखा, अरे भाऊ तेरी वो झील वाली थी ना, बंदी वहाँ कुछ ऐसा क्या पोंगा पोंगा टाइप पे दिखता था, सफेद सफेद, क्या है कोई दवाई ववाई छिड़कना ना? थोड़ी सी तो दवाई मारा हूँ, लेकिन बेटा पोंगा समझ ही नहीं आता, वैसा का वैसा दिखता है। तो फिर कैसा होगा फिर इसके लिए गा? अब कैसा होगा, भगवान भरोसे छोड़ दिया हूँ मैंने तो, जैसा होगा वैसा, क्या करूँ। तो अब पैसे देले भी तो होना, दवाई के लिए पंप लाने होना। ये भी बात सही है। अच्छा वो घर में सब ठीक ठाक तो है कि नहीं? क्या बताऊँ भाऊ, साला एक ना एक बीमार रहता है गो ना, तबियत खराब। तू अलग हुआ है रे। अच्छा, ज्यादा से ना मुलाकात करता ना मिलता, और वो बुड्ढा दादा को तो देखा करे, कैसी क्या तबीयत है, क्या उसका अच्छा ख्याल रखना ना रे भैया। और रखता हूँ, मगर तू भी तो थोड़ा बहुत दे दिया करना गा। अब मैं क्या दे दूँ, एक तो वैसे ही ये पानी नहीं आ रहा है, फसल पानी में अभी साल पता नहीं कैसा क्या है भगवान जाने। था पास में पारा लगाए, बीज तो खाद तो सोडा, क्यों बांटो? अरे लेकिन वो बुड्ढा भी तो बेटा बीमार रहता है ना, पैसे से लगते हैं, उसको कहाँ के लगाऊंगा। तो अब नहीं लगा सकता, ऊपर से पानी नहीं गिर रहा है ना कुछ। काम करना ना रे, सरकारी अस्पताल ले जाना, वहाँ भी तो ढोर जैसे इलाज करते हैं। अच्छा, हाँ ये भी तो बात सही है, ढोर अस्पताल जैसे इलाज करते हैं वहाँ भी तो। सर्दी की गोली मांगो तो खांसी की देते हैं बेटे, हो ना। और सुनागा भाऊ? अब क्या सुनाऊं, अस्पताल का तो हाल तुमने बता दिएगा, मैंने बता दिया। अच्छा ना, अब ये तो खैर जिंदगी भर की पिचकाट है। अरे वो डोकरा बेटा बीमार रहता है, अब दुख दर्द तो लगा ही रहता है सब। अब क्या बताऊं, पानी भी नहीं आ रहा है बेटा, समझ नहीं आ रहा है मेरे को तो, गिरानीच का साल जैसे लगता है। पक्का चाहे साल ना मड्डा चाटेंगे का ऐसा समझ आता है। धान भी कुमलाने लगा ना, फूट पड़ गई अंदर से। एक साल और गिरानी पड़ी थी नहीं? हाँ। तो गिरानी में वही जगाना चलता है। हाँ तो बनाए हो गए भाऊ, तो एक आध गाना का नकल गाओ गिरानी पर की गा। अब काफी दिन की बात हो गई रे भाऊ, अब मैं क्या बताऊ, दो लाइन है उस की। हाँ, गाना का गा गा, मैं भी राग पूरा होगा, तू गा तो गा ऐसा ना गाना। अच्छा, अरे आसो की साल देखो बिगड़ गई बात। क्या बात? एनमो का पानी ने ऐसा छोड़ा साथ, मसक के खाओ अब चटनी के साथ, ऐसी बात आएगी कि चटनी लगेगी हाथ। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, चटनी जो बात खाना पड़ेगा, चून भात खाना पड़ेगा। एक हाथ तूने बनाया क्या गाँव? नहीं बनाया गा मैंने। देख तो दिमाग में तो ला। का दिमाग में ला, वही गा आता पड़ी से गिरानी को साल। अच्छा, अरे आता पड़ी से गिरानी को साल, न सड़प के मारो चटनी भात। अरे आता पड़ी से गिरानी को साल, ना सड़प के मारो चटनी भात, आता खाए लो न बाबा चून भात, आता खाए लो न बाबा चून भात। और ना सब भूल गया गा मैं, वो चून तो खाना ज पड़ेगा रे बाबा। भूल गया, मेरे पास तो नकल थी गा, भूल गया मैं। अरे बैठना यार, बाटो बैठना का। अरे मामा बैठना। और वट भाव सुना ना, और कुछ बता। अब क्या सुनाऊं भाव, अब सुनाने को का रह गया है बाकी गए। मैं तो बेटा खाने को दाना नहीं हैगा बड़ा, ये तो अपने गांव का लड़का दिखता है बेटा, गोविंदिया जैसे है। अरे गोविंदिया, क्या आएगा इधर आ, तो कहाँ जाता है ये? तुम्हारा भी डेंग डेंगा ही रहता है, तुम्हारे पास काम धंधे नहीं करके किसी के पास नहीं है क्या? अरे तो पूछ लिए गाँव का लड़का कहाँ जाता है करके बता। अरे क्या बताऊंगा मैं, बहुत परेशान हूँ। अरे तो काय का टेंशन है, बताएगा क्या? कर्म की घिस घिस, किस्मत के फेर और मकड़ी के जाले में फंस गया शेर वाली कहानी है। ओ, लेकिन एक दूसरे से बताने से समस्या हल होती है ना बेटा। अच्छा, अरे क्या बताऊं, तुम मेरी समस्या का हल भी नहीं कर सकते।
अरे होगी तो कर लेंगे, तू बता तो क्या बात है। अरे वो तुम्हारी बहू दो दिन हो गए गई है तू। अच्छा कहाँ गई है? भोपाल। काहे के ले गई भोपाल उत्ते तू? क्या मालूम, वो कहने लगी शिवराज सिंह चौहान मेरा भाई है, 1250 डाला है कहने लगी खाते में, मैं जाऊंगी राखी बांधने जाऊंगी तो 5500 की साड़ी लेगा और कहने लगी। तो साड़ी के ले गई राखी बांधने उत्ते? अरे वही तो, ये औरतों के मारे मैं थक गया हूँ काका, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे तो बेटा आज आएगी ना रे। अरे क्या खाक आएगी साली, कब आएगी? गई होगी नहीं तो बुध नहीं गई होगी, तेरे को कौन सी समस्या बेटा? अरे अब घर में देखना को परेशानी हो रही है, खुद का हाथ भूंजो घर वाली रहने के बाद भी। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कर लेना बेटा। अरे काय का मेंटेनेंस करेगा, कर करके तू साला दो दिन हो गए दिमाग खराब। घर वाली बगैर बहुत से मर्द रह रहे हैं क्या? नहीं रहे। अरे वो वैसे छूंगेगा नहीं तो तू कैसा है तो? अरे मेरे से नहीं बनता, जिस दिन से आई है उस दिन से आंख धोने का पानी निकालेगी, कपड़े ला देगी, पीठ घस देगी, फिर नहा धो के मेरा हुआ पूजा पाठ किया तो आयता थाली में खाना होना। अच्छा अब आदत पड़ गई है ना, वो क्या कर लेगा आदमी अब, है क्या नहीं? अब सही बात है ना रे वैसे, वो लड़का बेटा कब तक परेशान होगा, कैसे मेंटेन करता होगा? तो बताना भाव, तुझ बताना उसको कुछ सलाह वाला। तो अब मैं क्या सलाह बताऊँ, फोन वोन लगा के देखना ना। अरे उसने मेरा मोबाइल ले जा ली है ना वा। अरे तो और किसी को भी मांग लेना ना रे, वो हमारे घर के लौंदर देते नहीं। अच्छा गई करते हैं बेटे, क्या कर रहे हैं? अरे जी सियाने कहते थे यार, जी जो लौंडे लफाड़ी ना आजकल के, हमारे गुरु कहते थे चांदी के सिक्के चले गए, नोट के गट्ठे रह गए और चतुर सज्जन व बिरला दे बचे, उल्लू के पट्टे रह गए। वो सही कहते थे। ओ अभी के क्या बताऊं ना, क्या नहीं साला करेगा, इसका वाला भी ले गई उसने, मतलब फोन। हाँ ना, दिमाग खराब हो गया है मेरा ऐसा नहीं। अब मैं कहता हूँ कुछ कारण बस से तेरे भाई ने रोक लिया होगा तो मेरे को फोन तो कर लेती घर के नंबर पे। हाँ अब उसके पास कि आज नहीं आ सकती जी, अब आज के दिन अब रह लेना जी, कल वाला आऊंगी। अरे कुछ तो बोलती गा, बात भी नहीं हुई। डेंगने की बात होगी साली, ऐसी गई है कि कहीं क्या बताऊं अब। अरे मगर तू आली साली मत कर ऐसे काका गिन के। अरे आत्मा खबरा गई है, तुमको क्या लगता है? गाली नहीं देते ना बेटा। तो फिर अब कैसा करोगे? तो जब तक फोन में बात नहीं होगी ना बेटा तो कैसे आएगी? अरे मैं जा रहा हूँ, उसी लिए जा रहा हूँ, अब बस बैठता हूँ और निकलता हूँ भोपाल। अच्छा भोपाल आओ ना साली, वहाँ कुथियाते तक दूंगा। कहाँ का वहाँ बेटा, मारपीट नहीं करना। कहाँ का फिर आई ना भाई, देखता हूँ उसके मायके वाले कितने, अपना भी फिर खून खवलता है काका, तो अपन किसी की नहीं सुनते। हाँ अपने बाप की नहीं सुने अपन ने। अरे बेटा आने की नहीं है वो। अरे डेंगना मारने आती तो ढेर बना लेंगे क्यों काका? अच्छा तो हाउ तो कहेगा ढेर बना लेंगे, तो इसके लिए भी तो जुगाड़ चाहिए। अरे भाव ऐसा नहीं गा, पैर है तो पनाई ढेर मिलती है। हुआ साला दिमाग खराब हो गया है आदमी का। वहाँ टोले में दो तीन विधवा है और तो ऐसी वाली नहीं गा। तो विधवा नहीं हो ना, फालतू की बात करते हो तुम तो। अरे मगर सही है गा, विधवा है मगर। अरे काची कुआरी मिल जाएगी मेरे को, अभी दाढ़ी बनाने तक बस देरी है, हो गया नया उम्र का लड़का है यार भाव। ये कहाँ के आठ करिन पाठ करिन की बात करता है काका तू भी? नहीं बेटा मगर ऐसी कुछ ज्यादा ये नहीं है, गई थी घर वाला मर गया तो कुआरी जैसी है मगर। नहीं मैं एक से एक कुआरी लड़की मिलेंगी क्यों काका? एक काम करो, कैसा भाव? बहू को एक दो बार और फोन लगा के देख तो कहाँ पर है, क्या कैसे लगा ले तो? इसका वाला तो ले गई उसने, वो तो मेरे भाई की, इनको मांग रहा हूँ तो देते ने भोसड़ी के वो भी। अब तू भोपाल जाऊंगा कहते, भोपाल देखा है तूने? नहीं देखा। तो इधर कहाँ बस तो बैठेगा, कैसे जाएगा बेटा तू इधर? अरे कोई भी गाड़ी घोड़ा वाला मिलेगा तो उसको कहूंगा मेरे को गंगेरवा नहीं तो बरघाट छोड़ दे कहूंगा। अच्छा जाऊंगा, कोई ना कोई तो मिल जाएगा। भोपाल भी नहीं देखा, देखा भी नहीं, कैसे कैसे जाएगा रे? अरे पूछ डालूंगा गो। किसको पूछेगा? किसी को भी आजकल नहीं बताते बेटा सही बात कोई। अब देखता हूँ, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बैठे भाई भाई, खेत की चर्चा हो रही है, पानी नहीं आ रहा है। तुम काटो पाप, मैं चला भोपाल और एक आध अच्छा जम गया काम धाम तो वहीं चलाऊंगा। डेंगने में जाए बाप ना, उसकी खेती ना बाड़ी ना वो। नहीं बेटा बाप को डेंगना दूंगना मत बता यार। अरे वो भी कुछ नहीं करता गा, टीनिन टीनिन लगा देता है, हो गया। तुम्हारे यहाँ का बुढ़ा ऐसा डोकरा हो गया, कुछ नहीं बोलता। अरे मगर बेटा बीमार रहता है तो हमारे यहाँ का डोकरा। हाँ तो इलाज इलाज कराना बाबा जी की। अब ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जय राम जी के। जय राम बहुत परेशान है लड़का, बहुत जयराम जी के बेटा। जय राम जय राम। अबे कहाँ गए? अरे यार
पूरे काम अपने को करना पड़ेगा बे, जल्दी ढूंढेंगे उसको। नहीं अबे काम धंधा करवाना पड़ता है उससे बड़े मुश्किल से, और अकेला तो थोड़ी चलना चलना बे, चलना बे, चलना। अरे रुक तो जा बे, मेरे को भारी काका से पूछता हूँ, रुक तू यही रह, जा पूछ के आ। अरे काका सुन तो का, हमारे यहाँ का बड़ा भैया दिखा गया। आओ तो गया यार, लेकिन बड़ा परेशान दिख रहा था, पता नहीं क्या हुआ। अरे उसकी लुगाई भग गई। मैं भागी को। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो भाग ही चले गए। इधर गया ना। हाँ हाँ चल बे, बताता है साला पागल। अरे तो वही तो कहते हैं, साली पता कभी नहीं गई है, मैं कब जाऊंगा भोपाल और कब नहीं। तो आदमी का प्राण खा गई साला, ऐसा नहीं कि एक बार फोन लगा देती कि कुछ हो, दिमाग खराब कर दे ये वहां पे। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? तू छोड़ दे रही सोनिया, मैं बता रहा हूँ, अब माय दिमाग खराब हो गया है मेरा। तू जा कहाँ रहा है तू? मैं भोपाल जा रहा हूँ। अरे कहाँ का भोपाल का? भोपाल की जा भी पता चल रहा है, जाना था जापान, पहुंच जाएगा चीन। वो तो भोपाल में है क्या भाभी? कौन भोपाल में? अबे मुहावरा बोल रहा हूँ, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, बता रहा हूँ मैं। नहीं का? Oh, no. शांति कर, मैं पता पूछते चले जाऊंगा। अच्छा उसको ना मारते लाऊंगा मैं, देखना। अरे तेरे पता के पीछे लापता हो जाएगा तू का। यही है क्या पास में भोपाल? पैसे कितने जेब तुम तो साले, पैसे कहते साले, एक बार फोन लगा दो, कहा तो तुम तो फोन तक नहीं लगा, साली वो नहीं लगा रही थी, तुम तो लगा सकते थे फोन। तो तेरे को क्या करेंगे, तेरे पास तो फोन भी नहीं है, तेरे को काहे के लिए फोन लगाएंगे हम? तो उसको फोन लगाने बोल रहा हूँ मेरे को बे। मोबाइल दे। हाँ मत जा तू, हम मोबाइल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तेरी बात करवा रहे हैं। मोबाइल दे, मेरे पास है क्या? हाँ रुक जा, ये मोबाइल पकड़। हाँ दिमाग खराब करते हैं, खोलने दे, लॉक खोलने दे, बात करा देगा नहीं तो ये मर जाएगा। पकड़ के रखना बे। हाँ ये ले, भरोसा थोड़ी ना है, सर्किट आत्मा है वैसे ही वो। हाँ बोल, नंबर बोल, नंबर बोलना भाभी। 95 16 4 बार गोला फिर 16। हाँ यही तो है, ये वही मेरे पास। हाँ तो फिर मैं को पूछ रहा था साले, हमें चला नहीं। अरे रुक तो जा, बात करने का, मैं मार दूंगा, बता दे रहा साले। तुम्हारी घर वाली नहीं है क्या कि तुमको नहीं समझता है, मालूम है? लाने दे रहा है क्या तू? लाने दे रहा है क्या? लाया तो तुम्हारे करनी में गाता है क्या? तो बात कर, मेरे को प्यास है, सुन तो, बहुत प्यास लग रही है। मेरे को लग रही कि तेरे को बे? तेरे को भी लग रही, मेरे को भी लग रही। टाइम के साल बात कर। सोनिया तू कहाँ है? वो कहाँ है तू? तेरे को शर्म नहीं आती क्या? एक मिनट रुक सोनिया, पानी लावे, मेरी हालत सुख रही है सबको। मैं नहीं तो यहीं गिर जाऊंगा। तू कहाँ है? तू आना, तू पानी लाना मेरे लिए बे। oh, no. पानी लाऊंगा यहाँ। अरे तू बंदी का ला, नहीं तालाब का, नदी नाला, कहीं का भी पानी ला तू। अरे वो तो है खेत में भाई लोग। भाभी सुन तो, काम करो बे, तेरे भैया के संडास बाथरूम का पानी ला दे रे। तेरे को शर्म नहीं आ रही साली चिकनू? तो क्या करूँ, तो मैं आधे दूर आ गया हूँ। अरे सुन तो का, अरे वो ला देना ना, मिठाई विठाई मिली होगी तो तेरे को तेरे भाई की यहाँ देगा। अरे सुन तो रे दांत टूटिया। हाँ एक से एक पकवान रे, एक से एक। सही में का? सही में का कहता है, पर आ नहीं कह सक रहा है। हाँ तो सुन तो, तू कब आएगी का? मैं तो आऊंगी रे, अभी तो रुकने के लिए कह रहा है मेरा भैया रे। तू वही डेरे डाल दे साली पागल, कहीं की मेरी तेरे को चिंता विंता है क्या? नहीं वो। हाँ मेरी भी तो चिंता कर थोड़ी सी। तेरी गाय की बे? नहीं देवर हूँ क्या? नहीं रे, मेरे को सबकी चिंता होती है भैया, मेरे को ना भूख तक नहीं लगती, लेकिन खा लेती हूँ जबरदस्ती भात रे। अच्छा देख देख साली, तू फोन में भी झूठ बोल मेरे से? फोन में तो झूठ मत बोले। तेरे को खाना नहीं चलता तो तू तो कब की आ गई रहती? अरे तेरा सब, तू ऐसा झूठ मत बोले, तेरे को इतनी चिंता है तो भला इतने दिन रुक गई वहाँ, 2 दिन हो गए। तू और कहीं तो नहीं चल गई बात करा वाला तेरे भाई से? करा जा भाई, मेरे को भरोसा होगा। अरे रुक तो जा, बात करा
बात कर रहा भाभी। देखता हूँ अभी। हाँ, ये फोन काहे कर रही है? हेलो 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 हेलो, बोलना। तुमको बात करा रही हूँ ना, रुको तो। और साले बस साला ही तो मेरा है क्या तेरा भी? अरे तो दोनों भाई भाई है ना। और शिवराज साले साहब नमस्कार आदरणीय। हाँ हेलो, अरे ये कौन बोल रहा है? वो ये कौन बोल रहा है? टीवी चालू है जी। अरे ये तो शक्ति कपूर है का? तू शक्ति कपूर के घर तो नहीं चले गए? वो चले जाऊंगी ना, वहाँ पे भी चल जाऊंगी। वहाँ तक जाना कह रहा हूँ ना, वहाँ तो मत जाना तू। ले जा रही हूँ, बात कराती हूँ ना। ओ भैया अबे ये तो गुलशन, अबे भी ये तो गुलशन ग्रोवर है वो। अबे गलत जगह चले गई बे। अबे भैया वो बहुत अलग इंसान है। ये भाभी क्या बोल रहा है सुन पहले। भाभी वो गलत इंसान के यहाँ चले गई, तू आ जा वापस। अरे पर तेरे भैया की आवाज ऐसी नहीं है ना। वो अरे यार भाभी, अबे शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर ने किसी को नहीं छोड़े हैं बे। कहाँ चले गई बे? भाभी का क्या होगा? तू फोन रख, मैं आ रहा हूँ। तू फोन रख, मैं आ रहा हूँ। बात करा और एक बार बात करा। हेलो, अरे क्या हो रहा है? अरे सबसे बड़ा आतंकवादी के हाथ लग गई मेरी भाभी। अबे ये तो वो क्या कहते हैं अमरीशपुरी, दिल्ली है का? सही सही बता वो। ये पक्का झूठ बोल रही है रे। ये अमरीशपुरी की आवाज कहाँ से आ रही भाभी है? अरे अरे टीवी चालू है रे, टीवी रे। अरे नहीं है भाभी, तू गलत हाथ में पड़ गई का। शक्ति कपूर गुलशन ग्रोवर इन्हें किसी को नहीं छोड़े। मेरे को लगता है बे ये भी आए होंगे इनकी घरवाली को लेके वहाँ राखी बांधने। हाँ। वो वहीं रुक गए। और ये इनके इस पे भी बारह पागल को समझना तो चाहिए बे। तू फोन रख, मैं आ रहा हूँ। अब नहीं रुक सकते आज बाबे आपने। अरे तू रख, तू मैं अब पूरा घूम गया मेरा तो दिमाग। अब तू पकड़, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक तो जगह। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। अबे तू फोन रख भाई, नहीं करना मेरे को बात, मैं जा रहा हूँ। पानी पानी तुम घर संभालो, मैं जा रहा हूँ। नहीं का घर वर नहीं घर चल। वो तेरी भाभी गलत हत्ते पड़ गई है। अबे मैं बात करा कहा तेरे भाई से, तो कहा वो गुलशन ग्रोवर शक्ति कपूर अमरीशपुरी की आवाज आ रही थी। आओ तुम घर संभालो, बस मैं जा रहा हूँ। अमरीशपुरी तो मर गया है। अबे पर आवाज तो आ रही थी, उसका बेटा बेटा होगा कहीं तो, उसके भी लक्षण भाई। अरे टीवी नहीं ऐसा कैसा मैं तो। भाभी के भाई से बात कर लेना। इधर आओ दोनों, इतने सारे लोग हैं वहाँ, सुन लेंगे ना का। तू मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सुन लेंगे मेरी बात पूरी तो। मेरी तो इज्जत ही लूट गई ना, क्या सुन लेंगे आप? और कितनी लूटेगी है भी क्या, थोड़ी बहुत। अबे तुम यहाँ बातों में टाइम मत खराब करो, मेरे को जाने तो बता रहा हूँ। तू घर चल। नहीं ना वो आएगी कैसे कैसे बे, आ जाएगी ना। अबे तुम समझते क्या नहीं बे?